हाय ऑल माय ब्यूटीफुल सोल्स, ऑल माय ब्यूटीफुल किंग्स एंड क्वींस। आज के जो आपके वीडियो है, दिस इज इन हिंदी एंड इंग्लिश बोथ, एंड दिस इज अ वीकली हॉरोस्कोप और वीकली पिक अ कार्ड रीडिंग। सो ये जो वीडियो है ये हिंदी इंग्लिश दोनों में है और ये एक वीकली पिक अ कार्ड रीडिंग है। आपके इस वीक में क्या होने वाला है आपके साथ, क्या कैसे कटेगी आपके दिन, क्या आपके साथ होंगे आगे में, सही रहेगा गलत रहेगा, करियर में क्या होने वाला है, स्पाउस के साथ क्या होने वाला है, रिलेशनशिप में लव में क्या होने वाला है, इसके रिगार्डिंग इन डिटेल्स देखेंगे। हेल्थ कैसे रहेगी, अगर कोई जॉब इंटरव्यू है उसमें कैसे चलेगा, बिजनेस कैसे रहेगा, या आप अगर कहीं पर ट्रैवलिंग कर रहे हो तो क्या होने वाला है, तो वो सारी चीज़ें देखेंगे इन डिटेल्स ऑन दिस वीक। वॉट एवर इज गोइंग टू हैपन ऑन दिस वीक वी विल बी सीइंग इन डिटेल्स। देयर वुड बी अ हिंदी रीडिंग इन इनिशियली एंड एवरी हिंदी रीडिंग आफ्टर 5 or 10 minutes हिंदी रीडिंग एट द एंड ऑफ द रीडिंग यू विल बी गेटिंग इंग्लिश वन। सो यू कैन सी दिस टाइम स्टैम्प जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प है, उससे आप देख लो आपके हिंदी रीडिंग और इंग्लिश रीडिंग। दोज हु और डजंट अंडरस्टैंड हिंदी दे कैन सी डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड दे कैन ईजिली यू नो सी देयर रीडिंग। सो देयर आर 3 options। फर्स्ट ऑप्शन इज हार्ट, सेकेंड ऑप्शन इज क्रिस्टल एंड थर्ड ऑप्शन इज ब्रेसलेट। हार्ट, क्रिस्टल एंड ब्रेसलेट, तीनों ऑप्शन में से कोई भी एक ऑप्शन चॉइस करो। मैं एक प्रेयर करूंगी और उसमें से प्रेयर के बाद आपके रीडिंग होंगे। यू ऑल यू नीड टू डू इज चूज वन ऑफ द ऑप्शन, इट इज कमिंग ऑन स्क्रीन। सो यू नीड टू चूज वन ऑफ द ऑप्शन फ्रॉम दिस 3 options एंड व्हिच एवर द ऑप्शंस यू आर चूजिंग दैट इज योर पिक अ कार्ड रीडिंग फॉर दिस वीक। लेट्स गेट स्टार्टेड। This reading is for every gender person, whether you are male, female, transgender, two spirit gender, neutral gender. This is for you. This is for every time zone people, whether you are in Brampton or you are in Surrey or you are in Toronto or you are living in Melbourne or you are living in Scotland or London or Coventry. This reading in Dublin, you are, this reading is for you, and this reading is for married, unmarried, both, for both of them, married, unmarried, single, committed, for everyone. So we will quickly start this reading with this heart. हार्ट से रीडिंग स्टार्ट करेंगे और देखेंगे कि इस वीक में आपके साथ क्या होने वाला है। एक्सपेक्टेशन, ऑफिन, इम्प्रिजनमेंट, सडन वेल्थ, वेल्दी मैन एंड कंसर्न, गिफ्ट, हाउस, privilege ready, family room and marriage, great fortune. बहुत अच्छे कार्ड्स आया है। मैं आप लोगों को यही बताऊंगी कि इस वीक में जो है आप देख लो कार्ड्स, गिफ्ट एंड हाउस के कार्ड है एंड फैमिली रूम एंड प्रिविलेज लेडी के कार्ड्स है, मैरिज एंड ग्रेट फॉर्चून के कार्ड्स है। तो ये सारे कार्ड्स हैं। तो अगर इस वीक में अगर आपके कोई भी लीगल केस पहले से चल रहा है, चाहे वो करियर के लिए हो, आपके रिलेशनशिप के लिए हो, कोई भी लीगल केस अगर आपके चली हुई है तो इस वीक में वो लीगल केस खत्म हो जाएगा। एक्सपेक्टेशन जो भी था आपको उसके मुताबिक आपके पास पैसा आते हुए दिख रहा है। जो भी आपके एक्सपेक्टेशन है उसके मुताबिक पैसा, करियर में कोई इम्प्रूवमेंट, कोई जॉब अपॉर्चुनिटीज, कोई बिजनेस अपॉर्चुनिटीज, कोई ना कोई अपॉर्चुनिटीज आपके एक्सपेक्टेशन जैसे था उसकी के मुताबिक कोई ना कोई अपॉर्चुनिटीज आने वाला है। फैमिली, जिन्होंने जो हम सिंगल हो उनको ऐसे कोई मिल सकते हैं जिसके साथ आपके आगे में मैरिज हो।
तो वो कैसे रहेंगे? अगर लड़का होगा तो बहुत ही ज्यादा वेल्दी लड़का होंगे, मतलब बहुत ज्यादा वेल सेटल्ड, अच्छे पोजीशन होल्ड करते हैं, गुड लुकिंग, अच्छा दिखने में, चार्मिंग पर्सनालिटी वाला होंगे। अगर लड़की है तो प्री विलेज लेडी, मतलब बहुत ही ज्यादा हाई सोसाइटी से बिलोंग करती है, या बहुत क्लासी पर्सन, बहुत धीरे से बात करेगा, बहुत अच्छे से, मतलब जब शर्माते भी है तो क्लास है उसका, एक इस तरीका के एक किसी के साथ आपके मुलाकात हो रही है। अगर आपके वेल्थ के बारे में बात किया जाए, तो अचानक ऐसे कोई पैसा आपको मिलेगी जहां पर जो आपने अभी तक एक्सपेक्ट नहीं करा था, लेकिन वही पैसा आपके सामने आ जाएंगे। सडन वेल्थ की कार्ड आया है। हेल्थ वाइज बात करें तो हेल्थ आपके ठीक नहीं रहने वाला है इस वीक में। मुझे ऐसे लगता है कि आपके हेल्थ खराब हो सकते हैं, हार्ट के बीमारी या स्टोमक के कुछ बीमारी हो सकते हैं, तो एक्सरसाइज करना शुरू करें। अगर आप एक्सरसाइज अभी तक नहीं कर रहे हो, जंक फूड खा रहे हो, तो जंक फूड खाना बंद करो, क्योंकि मुझे ऐसे दिख रहा है कि आप बहुत ज्यादा जंक फूड खाते हो। ग्रेट फॉर्चून के कार्ड आ रही है। ग्रेट फॉर्चून वो सडन वेल्थ में जो है वो ही आ रही है कि कहीं ना कहीं से आपको प्रॉपर्टी का प्राप्ति हो सकते हैं, कहीं ना कहीं से आपको कुछ ना कुछ मिल सकते हैं, अनएक्सपेक्टेड मनी आ सकते हैं, और अचानक ही आप हो सकते हैं कि कोई ऐसे काम शुरू करोगे पार्ट टाइम बेसिस में, जिस काम से आपको अच्छा भला पैसा आ जाएगी। तो यही है आपके इस वीक के जो रीडिंग है। आपके डेट ऑफ बर्थ, नेम के फर्स्ट लेटर, लास्ट लेटर ऑफ द नेम और आपके एनर्जी के बारे में डिस्कस करेंगे एंड ऑफ द वीडियो इंग्लिश रीडिंग के बाद। Those who doesn't understand Hindi, for them in English, in this week you are getting some kind of job or business opportunity or project, new project, or you can travel to some places where basically you were expecting this for very long time, almost from past 5-6 months you were expecting this job, or you were expecting this promotion, or you were expecting this traveling, but it did not happen for some of the other reason, but this week you are getting it. Like it is going to happen, like you are going to implement everything and you are getting it as a result. Now health wise you won't be that won't be that great, so it is advised that you don't go too much out, don't go for outing, like, you know, if you are thinking of rock climbing or stuffs like that, don't go for that, because that can be little troublesome for you. For your health, there could be a heart conjunction, or there could be artery issues, or there could be issues with your health, like the stomach issues or something can happen. If you are single, you will be meeting someone with whom you will be getting married in future. So what kind of person they would be? If you are, either they would be a very wealthy man, and they have very good looking, very wealthy man, charming personality and very classy person, or a very classy privileged lady. You are going to meet them on this week if you are single, and you are going to have some kind of good interaction with them, and in future there are chances that after some 2-3 years you are getting married to them. Now there are some people who are going through some legal issues, or something happened in past, that is why there are something related with law, things are going on, legal issues. If there are some legal cases going on, that is I'm seeing that would be resolved on this week. Altogether, this week bringing a great fortune in your life, and all of a sudden you will get some wealth. And what kind of wealth it is? Unexpected money or unexpected property or unexpected land, you will be getting it very soon, within this week. So that is all about this week, those who choose heart. And now we will be talking about your energy. आपके एनर्जी के बारे में बात करते हैं। आपके डेट ऑफ बर्थ रहेंगे 1-10-19-28, 2-20-11-29, 3-30-21-12, 8-26-17, and that is all about it. And 4-22-31-13. That is your date of birth. आपके date of birth इन्हीं में से ही होंगे। आपने इस वक्त में ब्लू या ब्लू के साथ रिलेटेड स्काई ब्लू इस तरीका के कोई शर्ट, टी शर्ट, ड्रेस, टॉप ऐसे कुछ पहने हो, या व्हाइट में कुछ पहने हो, या व्हाइट के साथ रिलेटेड जैसे वाइफ ऑफ व्हाइट, बिस्किट कलर ऐसे कुछ पहने हुए हो। व्हाइट, ब्लू एंड ग्रे एंड ब्लैक, इन्हीं कॉम्बिनेशन में अभी इस वक्त में आपने कुछ पहन के रखा है। एंड आपके नेम के फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम हो सकते हैं डी एस डब्ल्यू
एल सी आई एन एम ए जी के वाई जे वी, इनमें से आपके फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम हो सकते हैं। एच भी है, एच बोलना मैं भूल गई थी, एच भी है एंड आर भी है, इनमें से आपके फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम हो सकते हैं। तो इसी के साथ ये रीडिंग कंप्लीट करूंगी और क्विकली शुरू करते हैं आपकी रीडिंग, जिन्होंने बेसिकली चॉइस करा था। क्रिस्टल, क्रिस्टल के बॉल, आपके रीडिंग देखते हैं कि इस वीक में कैसे रहेगी, आपके लाइफ में क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला है, इन डिटेल्स देखेंगे। फर्स्ट कार्ड, मैन होल्डिंग हार्ट और whatever, a charming man and message and two of ducks, a two of birds, house, garden, two of duck, love life के लिए बहुत अच्छा होने वाला है, sheep, two owls, man holding flower, foxes and dice, and last card, wow, snake भी है। तो आपके cards में, cards के मुताबिक जाए तो मैं आपको बता देती हूँ कि आपके basically इस week में कैसे जाने वाला है। अगर आप love life के बारे में बात कर रहे हो, no contact situation में हो, कोई आपके साथ मतलब बात नहीं हो रही है, या किसी के साथ अनबन हुआ है, आपके partner specially love lover या crush के साथ कुछ गड़बड़ चल रहा है, तो यहाँ पर वो, या आपके spouse के साथ कोई problem चल रहा है, तो वो ठीक होने वाला है। तो वो बिल्कुल इस वीक में सारे प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी, बहुत अच्छे से आप लोगों का पैचअप हो जाएंगे। शायद कहीं पर आप ट्रैवल भी करो, एक दूसरे के साथ कोई ट्रैवल प्लान बनाओ आगे के लिए या ट्रैवल कर लो। अगर आप सिंगल हो, आपको ऐसे कोई किसी के साथ मुलाकात हो रही है जो बहुत ही अच्छे मतलब बहुत ही रोमांटिक हो रहेगा आपके लिए, आपके लिए आपको जैसे कि कुछ ना कुछ गिफ्ट करना, आपको प्यार करना, प्यार से बातें करना, आपको समझना, इस तरीका के किसी के साथ आप मिलने वाले हो। थ्रू इंटरनेट मिलोगे या थ्रू कोई ऐसे फ्रेंड जो इंटरनेट के थ्रू आपको पहले मिला था, इस तरीका के किसी ना किसी के थ्रू आप मिलने वाले हो और उसके साथ बहुत ज़्यादा मतलब बोलते हैं ना कि बहुत लंबे टाइम के लिए परमानेंट रिलेशनशिप टाइप या बहुत लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप आपके साथ रहने वाला है। हो सकता है कि उस इंसान के साथ आपकी शादी भी हो जाए। जो लोग नो कांटेक्ट सिचुएशन में हो, मैंने बताया कि वो ऑलरेडी कांटेक्ट में आ जाओगे और कुछ ना कुछ तरीका से आपके पर्सन के साथ बातचीत रहेगा। अगर आप बिजनेस करते हो तो कोई ना कोई तरीका से आपको कोई फ्रॉड कर सकते हैं, बी वेरी केयरफुल। बिजनेस में कोई जगह पे अगर इन्वेस्टमेंट के हैं, स्पेशली रियल एस्टेट में अगर आप बिजनेस कर रहे हो, या आप कोई ऐसे जैसे कि फाइनेंस के रिलेटेड कोई बिजनेस कर रहे हो, इंश्योरेंस फाइनेंस के रिलेटेड या मेडिकल फील्ड रिलेटेड कोई बिजनेस कर रहे हो, तो उसमें आप कोई भी नए तरीका से कोई भी पैसा इन्वेस्ट ना करें और ना ही किसी को पैसा उधार दो, क्योंकि वहाँ पर चीटिंग हो सकते हैं। इस वीक में ऐसे मैं देख रही हूँ कि कुछ लोग जो पहले से किसी के साथ बात कर रहा था या ऑलरेडी रिलेशनशिप में है, उनमें से कुछ लोग जिन्होंने ये चॉइस किया था क्रिस्टल के बॉल, उनमें से कुछ लोग जो है उनके एंगेजमेंट होने वाला है। तो विच इज अ वेरी गुड थिंग कि आपके अचानक ही एंगेजमेंट हो जाएगी। अब इस वीक में मैं दूसरा भी एक कार्ड देख रही हूँ कि आपको ऐसे किसी इंसान के साथ मुलाकात आपके हो रही है, सिंगल्स के लिए बहुत स्पेशल है। एंड अगर आप सिंगल नहीं भी हो या सेपरेशन से चल रहे हो या आप नया किसी के बॉन्डिंग देख रहे हो, तो आपको एक बहुत ही चार्मिंग पर्सनालिटी के किसी लड़का या लड़की के साथ मुलाकात रहेगा, जिसके साथ आपके एक पुराना पास्ट लाइफ के कनेक्शन है और उसे मिलते ही आपको एक अट्रैक्शन फील होगी और हो सकते हैं कि आप दोनों के बीच में एक फिजिकल रिलेशनशिप बने। बट वो फिजिकल रिलेशनशिप सिर्फ कुछ महीने के लिए नहीं होगा, वो आगे में कन्वर्ट हो सकते हैं आपके एंगेजमेंट में भी या शादी में भी।
अगर आपके कोई जॉब इंटरव्यू है, कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, उसमें बहुत अच्छा होने वाला है। जब एग्जाम के रिजल्ट आएगी तो आपको लक फेवर करने वाला है। इस वीक में अगर एग्जाम है तो बहुत अच्छा एग्जाम जाने वाला है। अगर ये मैटर है कोई जॉब इंटरव्यू प्रमोशन के मैटर में, बहुत अच्छा रहने वाला है। हेल्थ वाइज बहुत अच्छा है। हेल्थ वाइज मैं देख रही हूँ आप ऐसे कहीं पर ट्रैवल के भी सोचोगे या ट्रैवलिंग के प्लान बनाओगे, जहाँ पर जाते ही आपके मन बहुत अच्छा हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं, या आप बहुत सालों से प्लान कर रहे हो कि वहाँ पर जाने के लिए, और इस वीक में आप उस तरीके के प्लान बनाने वाले हो या जाने वाले हो ट्रैवल के लिए। डाइसी सिचुएशन कुछ लोगों के लिए मैं देख रही हूँ, आपके पार्टनर आपको लेके अभी भी डाइसी रहेगा, लेकिन वहाँ पर क्योंकि टू डक के साथ आ रहे हैं एंड फैमिली रूम के साथ आ रही है, तो मैं बोलूँगी कि वहाँ पर भी इस वीक के बाद या इसी वीक में एक चांसेस है कि वहाँ पर भी आपके लिए बहुत ही पॉजिटिव डिसीशन लिया जाए। तो यही है आपके रीडिंग। एनर्जी के बारे में बात करेंगे एंड ऑफ द रीडिंग, क्योंकि मैं दो दो बार नहीं बता पाऊंगी, तो मैं एनर्जी के बारे में एंड ऑफ द रीडिंग बात करूंगी। उससे पहले दोज हु डजंट अंडरस्टैंड हिंदी, जिनको हिंदी समझ में नहीं आते उनके लिए इन इंग्लिश। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू आर गोइंग टू मीट अ समवन हु इज वेरी वेरी चार्मिंग पर्सनालिटी एंड दे आर वेरी अट्रैक्टिव एंड यू हैव अ पास्ट लाइफ सोलमेट कनेक्शन, नॉट सोलमेट, अ पास्ट लाइफ कार्मिक सोलमेट कनेक्शन विद देम एंड दे आर गोइंग टू बी परमानेंट इन योर लाइफ। प्रोबेबली इन फ्यूचर यू विल मैरी देम और यू गेट एंगेज्ड विद देम। हाउ वुड यू मीट देम? यू विल बी मीटिंग देम थ्रू इंटरनेट और थ्रू अ फ्रेंड विथ होम यू मेट इन पास्ट बट थ्रू इंटरनेट। ओके, so you are going to be with them forever or probably for a very long time, that kind of partner is coming in your life. Now for those who are already in a relationship, I'm seeing if you are in a no contact situation, your partner is going to contact you. They will talk to you, they will call you, message you, probably, most probably they will message you or text you, or they will text you on Facebook or Instagram or whichever the way. And then I'm seeing if you have a job interview or you are expecting a promotion, it is going to happen on this week. But be careful, don't give any money to anyone or don't invest any money on this week, because I don't think this week is good for investment. Okay, there is some kind of dicey situation, something will happen there. Your business partner will say, okay, this was okay, but after taking money, they will refuse it. Or probably you have to pay somewhere as a advance money. So suppose you are purchasing a house and you have to pay advance money, don't pay it, because there nothing is confirmed. Okay. And there is something else which I'm seeing. Okay, this romantic partner is coming in your life for singles, and I'm seeing that you probably will get engaged with them. And the same time, your ex-partner or your partner who is in a relationship with you, or you are in a relationship with them, probably you are in no contact situation, or still you are in contact situation, and they were not giving commitment to you, they will be like, you know, now going to propose you for marriage. So that is all about on this week, and definitely your health is going to be totally okay. Even you will be planning to go somewhere else, like some places, visit some places for like which you were planning for very long time and you could not go for some XYZ reason, but this week I think you are going to travel those places, or you will plan for traveling, and or you will apply for those visas, and I'm seeing that everything is going to be fine. Okay, so that is all about this reading. Now we are going to talk about the energy here. Whichever the energies are there, we will be talking about it. First of all, your date of birth would be 4/22/31/13, 9/18/26, 6/24/15, 8/26/17, 2/20/11/29, and 7/25/16. That is all your date of birth, and 3/30/21/12. That is your date of birth. That all are your date of birth. And I would be telling your आपके जो energy के बारे में बात करूंगी, इस वक्त में आप red, maroon या red के साथ related, जैसे कि orange, purple, peach,
नॉट पर्पल, ऑरेंज, पीच एंड पिंक, इस तरीके के कलर के शर्ट, टी शर्ट, ड्रेस, टॉप कुछ पहने हो, ब्राउन कलर के या खाकी कलर के कुछ ना कुछ पहने हो, या सी ग्रीन या टाकोइश ग्रीन कलर के कुछ ना कुछ ड्रेस, शर्ट, टी शर्ट, टॉप, ऐसे कुछ अटायर पहने हुए हो, आपके नेम के फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम होता है बी ए एन सी आई जे एल टी ओ यू एन एस, इनमें से फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम शुरू होते हैं जी एंड एच एंड जे, ये भी है, तो इसी में से आपके फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम शुरू होगी। और इसी के साथ ये रीडिंग कंप्लीट करूंगी। जिन्होंने चॉइस करा था क्रिस्टल के बॉल, आप चलेंगे और देखेंगे फाइनल फुल एंड फाइनल रीडिंग विच इज फॉर क्रिस्टल के ब्रेसलेट। सॉरी, ये ब्रेसलेट था, ये एक मिराकुलस ब्रेसलेट है। आप लोग अगर चैनल को सब्सक्राइब करते हो तो आपको ये ब्रेसलेट मिल सकते हैं। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं भी करते हो और आप परचेस करना चाहते हो पैसा से तो कर सकते हो, बट मैं आपको रिक्वेस्ट करूँ कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो के लाइक करें, वीडियो के नीचे में एंड कम्युनिटी टैब के पोस्ट के नीचे में जरूर लिखें ताकि आपको इस तरीके के ब्रेसलेट मिल सके। एक मिनट गाइस, शफल अच्छे से कर लेते। कम्युनिटी, कॉफिन, हाउस, मैरिज, ये चार कार्ड्स आ रहे हैं। और देखते हैं कार्ड्स क्या है। एक्सपेक्टेशन, चाइल्ड, कोर्ट हाउस, पाथवे, जर्नी, ऑफिशियल पर्सन, अनएक्सपेक्टेड इनकम। वाओ, फाइनल कार्ड सडन वेल्थ की कार्ड है, फाइनल कार्ड। ओके, तो बेसिकली आपके जो मैं देख पा रही हूँ बहुत अच्छा है। हेल्थ वाइज ठीक नहीं रहेगा, हो सकता है कि आपको फीवर हो, हेडेक हो, माइग्रेन हो, इस तरीके के प्रॉब्लम आपके लाइफ में आ सकते हैं, या लेग स्प्रेन इंजुरी। मुझे स्पिरिट कह रहे कि लेग स्प्रेन, लेग इंजुरी, थोड़ा एक्सीडेंटल प्रोन रहेगा, तो थोड़ा बच के ड्राइव करें, और हो सके तो इस वीक में उबेर, ओला या जो भी आपके आसपास में अवेलेबल है कैब सर्विसेस अवेल करें, खुद ड्राइव ना करें। सडन वेल्थ आने वाला है, कहीं ना कहीं से आपको कोई प्रॉपर्टी के प्राप्ति हो सकते हैं, कोई लैंड के प्राप्ति हो सकते हैं जो एंशियंट का है, या कोई आपको दे सकते हैं जो बहुत ज़्यादा आपको चाहता है, इस तरीका के कोई ना कोई इंसान, और वो प्रॉपर्टी की प्राप्ति अचानक ही होगा, या आपके सडन वेल्थ जैसे अनएक्सपेक्टेड तरीके से कुछ ना कुछ इनकम हो सकते हैं, इनकम बढ़ेगा ज़रूर। अनएक्सपेक्टेड इनकम आ रही है, जैसे कि आप कोई पार्ट टाइम जॉब पकड़ लो, या आपके प्रमोशन हो जाए, रेमुनरेशन बढ़ जाए, या कोई नया जॉब लग जाए जिसमें आप पहले जितना भी कमाते थे उससे ज़्यादा कमाई हो, या आप बिल्कुल ही जॉबलेस थे, बिल्कुल कुछ नहीं कमाते थे, लेकिन अचानक ही आपको पैसा की प्राप्ति हो जाए या करियर में अच्छा बन जाए। आपके अगर कोई भी यूपीएससी जैसा कोई भी स्टेट गवर्नमेंट के एग्ज़ाम है, यूपीएससी के एग्ज़ाम है, यूपीएससी के एग्ज़ाम तो खैर हो गए, CDS के एग्ज़ाम है, SSC के एग्ज़ाम है, किसी भी तरीका के गवर्नमेंट जॉब के एग्ज़ाम रहेगा तो उसमें पाने की, मतलब उसमें होने की चांसेस बहुत ज़्यादा है। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आपको लक ज़रूर सपोर्ट कर रहे हैं, और आपके फैमिली भी आपको उसमें सपोर्ट कर रहे हैं, आपके इनफैक्ट फैमिली क्या पूरे गांव या आसपास के लोग भी आपको सपोर्ट कर रहे हैं। एक जर्नी हो सकता है, जर्नी टू सम प्लेसेस जहाँ पर आप पहले भी विजिट कर चुके हो, और वहाँ पर जाने की, दोबारा जाने की जगह हो सकते हैं, जैसे आपके नेटिव प्लेस हो, चाहे आपके कोई ऐसे जगह हो जहाँ पर आप पहले पढ़ाई की हो,
स्कूल कॉलेज कर रहे हो, इस तरीका के कोई ना कोई जगह पे आपके जाने की चांसेस आ रहे हैं, जहां पर आपको लव रिलेशनशिप में कोई भी रास्ता नहीं दिख रहा था कि क्या होने वाला है नहीं होने वाला है, वहां पर आपको अचानक एक रास्ता दिखेंगे और वो रास्ता मैरिज तक जाती है। मतलब अगर आपको कमिटमेंट नहीं मिला है तो कमिटमेंट मिलेगी। अगर आप शादीशुदा ऑलरेडी हो, बच्चे के हेल्थ के रिलेटेड कुछ हो सकते हैं, या आपकी शादी में कोई ना कोई प्रॉब्लम हो सकते हैं एक दूसरे के साथ, और शायद दोनों बैठ के ये डिसीशन ले सकते लोगे के यहाँ पर ये रिलेशनशिप को ख़त्म करते हैं और आगे बढ़ते हैं अलग अलग सेपरेट रास्ते से, और शायद आप ये ही एक्सपेक्ट कर रहे हो आपके पार्टनर से। तो यही है ये रीडिंग, और ज़रूर वो सारे जो चीज़ें आपके स्पाउस के साथ होने वाला है उसके साथ रिलेटेड, बच्चे के साथ रिलेटेड भी कुछ मैटर है वहाँ पर, बच्चे के हेल्थ रिलेटेड या बच्चे के साथ रिलेटेड कोई मैटर है। आपके पुराने फ्रेंड्स, पुराने जो फैमिली मेंबर्स आपको काफ़ी इस वीक में सपोर्ट करते हुए दिख रहे हैं, आपके हर डिसीजन में, खास करके करियर में, रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाएंगे। और अगर आपके अभी ऐसे सिचुएशन है कि थोड़ा बहुत अनबन चल रहे आपके पार्टनर के साथ, तो आगे में अच्छा होने वाला है। यहाँ पर ये रीडिंग कंप्लीट करूँगी और उसके साथ मैं इंग्लिश में बोलूँगी, उसके बाद एंड ऑफ द वीडियो देखिए जो एनर्जी अपडेट है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, health wise it is not going to be very good, and it could be, there could be a chances that you meet an accident or you will be meeting an accident, so please be careful, don't drive fast, and I would suggest that take some cab, okay, during this week. Now I am seeing that you will suddenly find a way to meet your soulmate. Or if you are in a relationship, you will suddenly find something through which you will be getting commitment through your partner. Like you will be getting commitment, I mean to say your partner will give you commitment for marriage. If you are already married, there could be something related to your child's health or child, and you both will sit down and probably take a decision to get separated. So there could be a chances like that, or probably you are married, you don't have any baby, but you both will sit and talk, and then you will say, okay, it's not working out, and we let's get separated. And I'm seeing that many of you are expecting in that way. You are suddenly getting some wealth, that means you may get a promotion, or you may get a new job, or you will start a part-time job, or you will start a new business or something like that. And you are getting unexpected income, that means your remuneration is going to increase, your salary is going to increase, or your daily income is going to increase from this week. And I am seeing that your family and friends both are in your support, they are supporting you fully and wholly and solely. And you are also going to visit some places where you already went long back, you were there, or you went there, or you had a history with that place, and you are going to visit that place for some of you guys. So that is all about this energy, and it is good that your family is supporting you. And if you are appearing for any kind of what is happening with me, if you are going to appear for any kind of competitive exam on this week, so you will be, you know, luck is fully supporting you. Or if you're expecting some result, competitive exams result, I think that is going to be very positive on this week. So everything is quite fine here. I don't see much problem, much trouble, and only thing is like just settle down things with your spouse. And now I'll be talking about your energy, totally about your energy, and we will close these things like this week's reading. So your energy is 9, 18 and 27. That could be your date of birth. Aap log ke energy bol rahi hu. Aapke date of birth hai 9, 18 and 27, or 5, 23 and 14, 1, 10, 19 and 28. In mein se aapke date of birth rahe, 2, 20, 11 and 29. 3:30, 21 and 12, इनमें से आपके डेट ऑफ बर्थ रहेगा। एंड मैं आप लोगों के नेम के फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम बताती हूँ, आर वी एल ओ एम
एन आई डी सी ए यू डब्ल्यू वाई, इनमें से फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द, एंड एच, इनमें से फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम आपके हो सकते हैं। इस वक्त में आप पर्पल कलर के या वाइट कलर के अटायर पहने हो, या वायलेट कलर के अटायर कुछ पहने हो, या ब्लैक या ग्रे में कुछ पहन के रखे हो जिस टाइम में आप ये वीडियो देख रहे हो, या यही आपके फेवरेट कलर है, या वार्डरोब में ज़्यादातर कलर यही कलर के ड्रेस होगा। इस तरीके से इस कलर्स के साथ आपके कोई ना कोई कनेक्शन रहेगा। आपको घर सजाना ढजाना अच्छा लगते हैं, आप हमेशा विंडो के साइड में बैठ के या बालकनी में बैठ के बाहर के जो सीन है वो देखना पसंद करते हो, आपको छोटे छोटे बच्चे पसंद है, पेट लवर हो, पेट पसंद है, तो इस तरीका के सारी चीजें आ रही है। इसी के साथ ये रीडिंग कंप्लीट करती हूँ गाइस। थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग माय चैनल। अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को, दोनों चैनल को सब्सक्राइब करें। 888 फ्यूचर रीडिंग, 888 टैरो कार्ड रीडिंग, 888 एसएमआर हील बाय आर्या, क्योंकि आप उससे हीलिंग लेके अपने आप को ठीक कर सकते हो। फ्री हीलिंग अवेलेबल है हर तरीका के समस्या के लिए, हर तरीका के प्रॉब्लम के लिए। जरूर मेरे वीडियो को देखें, आगे तक चले और मेरे साथ चले और एक फैमिली बनाए और एक खुशहाल फैमिली बनाए। आई कैन टेल यू वन थिंग, अगर आप दूसरे टैरो कार्ड के रीडर के मुझे नहीं पता है, बट एज मैं एक हीलर हूँ और मुझे अपने पावर के बारे में पता है, अगर मेरी फैमिली आप ज्वाइन करोगे, मेरे साथ चलोगे, तो आपके लाइफ इवेंचुअली स्पिरिचुअली हेल्थ वाइज करियर वाइज रिलेशनशिप वाइज ठीक ही होंगे। आप इसके इसके जो प्रूफ है ना वो मेरे कम्युनिटी टैब के पोस्ट के नीचे में देख सकते हो। जितने लोगों ने भी जुड़ा है मेरे साथ, इवेंचुअली उनके लाइफ से कर्सेस, कार्मिक दोष, नेगेटिव प्रॉब्लम एनर्जी, सारी चीज़ें खत्म हो गया है। थैंक यू गाइस, हैव अ ब्लेस्ड डे एंड गॉड ब्लेस यू।